लायंस डीड भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपसे बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा आग्रह है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, क्योंकि इस मुद्दे पे कभी भी न तो पहले सुप्रीम कोर्ट में कोई पीआईएल आई है, न कभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कभी गंभीरता के साथ चर्चा किया। अंग्रेजों ने 1863 में कानून बनाया था, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। और वो रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट बना के अंग्रेजों ने देश के मंदिरों पे अपना कब्जा किया। चूंकि मुगल पूरे उत्तर भारत के मंदिरों को पहले ही लूट चुके थे, अयोध्या का मंदिर तोड़ दिया था, काशी का मंदिर तोड़ा था, लूटा था, अयोध्या का मंदिर लूटा था, मथुरा का मंदिर लूटा था, सोमनाथ लूट लिया था, जितने भी जहां जहां उनका कब्जा हुआ था वहां पे मुगलों ने सारे मंदिरों को लूटा भी था, तोड़ा भी था। लेकिन शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र के आगे नहीं बढ़ने दिया, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक ये मुगलों के कब्जे में नहीं आया था। अब मुगलों के कब्जे में नहीं आया इसलिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक यहां के मंदिरों में जो धन था वो बचा हुआ था। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगा के क्या किया कि 1863 में कानून बनाया, उसको कहते हैं रिलीजियस एंडाउमेंट एक्ट। काम वो भी वही कर रहे थे, लेकिन मुगल तलवार के दम पे मंदिरों को लूट रहे थे, अंग्रेजों ने कानून बना के लूटने का विचार बनाया। और 1863 में कानून बना के पूरे देश को उस पर लागू किया। चूंकि देश भर की बाकी जगहों पे मंदिर तो धन बचा नहीं था, जो मूल धन बड़ा पैसा रखा था, जो चढ़ावा था, सोना चांदी था, वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में था। वहां के मंदिरों को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, जितना सोना चांदी था वो सारा लूट लिया, जो वहां की जमीनें थी उसको किराए पे दे दिया। तो मंदिरों का चढ़ावा भी लेते थे, मंदिरों का जो पहले वाला धन था उसको भी लेते थे, मंदिरों पे जो डे टू डे चढ़ावा रहा था उसको भी लेते थे, मंदिरों के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी किराए पे उसका भी पैसा लेते थे। एक कानून और बना दिया बाद में 1880 में। लेकिन आजाद होने के बाद कौन कहे हमारी सरकारों को उन कानूनों को खत्म करने के लिए, हमारी सरकारों ने 28 कानून और बना दिए। आज की डेट में भारत में कुल 30 कानून चल रहे हैं मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए। आप जरा समझिए, हम कहते हैं भारत सेकुलर है, हम कहते हैं ये संविधान से चलता है, संविधान मतलब समधन विधान, ऐसा विधान जो सब पे समान रूप से लागू होता है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के धार्मिक स्थानों पर कब्जा करने के लिए, उसका चढ़ावा लेने के लिए 30 कानून चल रहे हैं, लेकिन किसी एक भी मजार, एक भी दरगाह, एक भी मस्जिद, एक भी चर्च के लिए कोई कानून नहीं बना है। 18 राज्यों में 4,00,000 मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण चल रहा है, लेकिन किसी एक भी राज्य के किसी एक भी चर्च, दरगाह, मजार या मस्जिद पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। भारत इकलौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज कह रहा है हमको बराबर अधिकार दे दो। दुनिया के बाकी देशों में जो माइनॉरिटी होते हैं, जो अल्पसंख्यक होते हैं, वो कहते हैं हमको बराबर अधिकार दे दो जो बहुसंख्यकों को मिला हुआ है। यहां पे भारत में बहुसंख्यक कह रहे हैं हमको वो अधिकार दे दो जो अल्पसंख्यकों को मिला हुआ है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कहते हैं समान नागरिक संहिता लागू करो, हमको भी बराबर अधिकार दो, हमको समान अवसर दे दो। भारत का बहुसंख्यक कह रहा है हमको समान अधिकार दे दो, हम समान नागरिक संहिता लागू कर दो। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक को कहता है कि हमारे मंदिरों को छोड़ दो, हमारे मंदिरों पर कब्जा मत करो, भारत का बहुसंख्यक समाज कह रहा है हमारे मंदिरों को मुक्त कर दो।
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की बेटियों को उठाया जाता है, अल्पसंख्यकों की बेटियों का धर्म परिवर्तन होता है, भारत में बहुसंख्यकों के साथ ये हो रहा है। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कहते हैं धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ, भारत में बहुसंख्यक कह रहा है धर्मांतरण विरोधी कानून बनाओ। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक कहते हैं कि धार्मिक स्थानों के लिए एक नियम बनाओ, भारत का बहुसंख्यक कह रहा है धार्मिक स्थानों के लिए एक नियम बनाओ। तो यहां बिल्कुल उल्टा चल रहा है, पूरी दुनिया का उल्टा चल रहा है। यहां कहते हैं खुला खेल फरुखाबादी, और वो भी संविधान की आड़ में, संविधान की शपथ लेके, संविधान के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे खेल चल रहा है। और ये खेल इसलिए चल रहा है कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख इतने सीधे हैं, इतने सहज हैं, ये कभी इकट्ठे होके अपने हित की बात ही नहीं करते। ये कभी कहते ही नहीं कि आर्टिकल 26 एक बार आप लोग पढ़िए, आर्टिकल 26 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है सभी समूहों को एक समान अधिकार है धर्म का। उसमें ये थोड़ी कहा है कि मुस्लिम को ज्यादा अधिकार होगा, ये थोड़ी कहा है कि क्रिश्चियन को ज्यादा अधिकार होगा। आर्टिकल 26 कहता है कि देश के सभी धार्मिक समूहों को एक समान अधिकार होगा। तो अगर एक समान अधिकार है फिर तो हिंदू, फिर केवल मंदिर का सरकारी कंट्रोल में क्यों है? जिस तरीके से मजार सरकारी कंट्रोल के बाहर है, दरगाह सरकारी कंट्रोल के बाहर है, चर्च सरकारी कंट्रोल के बाहर है, वैसे मंदिर भी सरकारी कंट्रोल के बाहर होना चाहिए। मैंने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इन 30 कानूनों को चैलेंज किया है, जो 30 कानून चल रहे हैं इनको, 30 कानूनों को चैलेंज किया है। 18 राज्यों में 30 कानून चल रहे हैं, 400,000 मंदिर सरकार के कब्जे में है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में ही मांग किया है कि इन 30 कानूनों को खत्म करिए और मंदिरों को मुक्त करिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं धार्मिक स्थानों पर कुछ कंट्रोल होना चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक यूनिफॉर्म एंडाउमेंट कोड बनाए जो सब पे लागू हो। ऐसा नहीं होना चाहिए मंदिर पे लागू हो लेकिन चर्च, मजार और दरगाह और मस्जिद पे कोई नियम ही नहीं, ऐसे नहीं। एक नियम बने, सब पे लागू हो। आज की डेट में क्या हो रहा है? महाराष्ट्र का सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के नियंत्रण में है, उसी से 10 किलोमीटर दूर हाजी अली की दरगाह है, उस पर सरकार कोई कंट्रोल नहीं। कश्मीर में वैष्णो देवी सरकार के कंट्रोल में है लेकिन हजरत बल्द की दरगाह सरकार के कंट्रोल में नहीं। काशी विश्वनाथ का मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, वहीं सटी हुई ज्ञानवापी मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। मथुरा का जन्मभूमि मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं से सटा हुआ ईदगाह मस्जिद सरकार के कंट्रोल में नहीं। वही हाल केरल में पद्मनाभ स्वामी मंदिर सरकार के कंट्रोल में, वहीं बगल पे थोड़ी दूर पे चर्च है, थोड़ी दूर पे मस्जिद है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं है। तिरुपति बालाजी का मंदिर सरकार के कंट्रोल में नहीं, और वहीं बगल में थोड़ी दूर पे मस्जिद भी है, चर्च भी है, वो सरकार के कंट्रोल में नहीं। ये संविधान थोड़ी हुआ। संविधान तो दो शब्दों से मिलकर बना है, संविधान विधान बराबर संविधान, यानी ऐसा विधान जो सब पर समान रूप से लागू हो उसको कहते हैं संविधान। और ये जो आज आपने आपके हम सामने में बात रखा है, मैंने यही मैंने अपनी पिटीशन में लिखा हुआ है, और यही बात जिस दिन बहस होगी यही बात मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने रखूंगा। अब आप लोग ये तय करिए कि जो दलीलें मैं कोर्ट में देने वाला हूं, ये जो दलील मैं आपके सामने दे रहा हूं, ये ठीक है कि नहीं। अगर ये दलील ठीक है तो कम से कम 10 लोगों को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करिएगा। अपने अपने सांसद को ये लिंक टैग करके ट्वीट करिए, जितने व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, जितने टेलीग्राम के ग्रुप हैं, उस पर इस वीडियो, इस लिंक को शेयर करिए, अपने फेसबुक पे इस लिंक को शेयर करिए, जिससे देश को पता तो चले कि इस देश में जो बहुसंख्यक समाज है उसी के साथ सारे अत्याचार हो रहे, बहुसंख्यक समाज के साथ ही सारी नाइंसाफी हो रही है। हम तो संविधान की मांग कर रहे हैं, समान विधान की मांग कर रहे हैं, और सरकारें बहुविधान चल रही है, चला रही है।
4 लाख मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन एक भी चर्च, एक भी दरगाह, एक भी मजार, एक भी मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। 18 राज्यों ने कंट्रोल में ले लिया मंदिरों को, किसी एक भी राज्य ने एक भी चर्च, दरगाह, मजार और मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। आशा करता हूं कि आपको हमारी जो ये लॉजिक है, जो आर्ग्यूमेंट है, ये आपको ठीक लगा होगा और आप इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।